अपना मतलब बोला था कि 10-12 ही गाड़ियां आई थी। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ 10-12 गाड़ियां थी। अब ये जैसे कि मान लो दिल्ली में तो एक ही है ये, और भी किसी पे हो तो वो मेरे को बताओ, मैं उससे परचेज भी करूंगा। एक सेकंड, बोनट खोलो भाई, अब तो बोनट खोलना बनता है भाई। तो कल मैंने जैसे स्टोरी लगाई थी, बंदे मेरे को कमेंट भी कर रहे थे, भैया BMW ले आए, BMW ले आए। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके हूँ आपके लिए, सामने देखो भाई अपनी क्या टार्जन भाई कलर इसका ऐसे ही जैसे अपनी टार्जन का, तो एक मूवी देखी होगी आपने। बाकी ये जो गाड़ी है ना भाई, ये है भाई सैंडस्टॉर्म, और किसने लॉन्च की थी, सैंड मोटर्स ने। थोड़ी सी बेसिक बातें बता देता हूँ आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना यूनिक कंटेंट है ये भाई 1998 में लॉन्च की थी सैंड मोटर्स ने। लेकिन भाई थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि 2013 में इस गाड़ी को करना पड़ा बंद, और बंद करने का रीज़न क्या था कि भाई कंपनी ही बंद हो गई थी, मतलब कंपनी ने अपने आप को ही डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो ऐसा सीन है इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का आज प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आए, और ये गाड़ी आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और इसके बारे में अगर थोड़ी सी और बातें बताऊँ तो भाई ये एक ही इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलती है, जो कि पेट्रोल इंजन ऑप्शन था, और बाकी इसमें जो इंजन है ना वो रेनो का मिलता है आपको, ठीक है। और BHP वगैरह की बात करूं, सबसे पहले आप डाइमेंशंस देखो इसकी गाड़ी के, देख रहे हो बिल्कुल छोटा सा, मतलब खिलौना टाइप सा लग रहा है। फिर भी मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो में थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन आप सामने से देखोगे ना, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन लोगे इस गाड़ी का, तो भाई बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है, टू सीटर गाड़ी है ये, देख लो। और देखो ये देख रहे हो भाई, विंडो, फ्रेमलेस विंडो आपको इसमें मिल जाती है, प्रॉपर भाई लग्जरी वाला फील। और लास्ट जो इसका रिकॉर्डेड प्राइस था ना 2013 में, वो था 6 लाख। तो 6 लाख में आपको ऐसी गाड़ी मिल रही, तो और क्या ही चाहिए भाई, है ना। तो यार इसके ओनर हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। ये गाड़ी भाई उन्होंने कब ली थी, क्यों ली थी, मेन रीज़न है क्यों ली थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो यार चलते हैं उनके ओनर के पास। क्या हाल है भाई अंशु? बढ़िया। तो अंशु भाई की सबसे पहले बताता हूँ, आपने स्विफ्ट देखी होगी रेड कलर में, बहुत ही नेक्स्ट लेवल मॉडिफाई, जिसमें ऑस्ट्रेलियन वाला बंपर वगैरह मतलब किट लगी हुई थी, है ना। तो अंशु भाई आओ, थोड़ा सा गाड़ी के पास आओ, और थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, आपने ये कब लिया भाई? ये भी 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ, हाँ, लेने के बाद भी खड़ी हुई थी 3-4 साल। अच्छा, तो मतलब ये आपने सेकंड हैंड परचेज किया? जब ली थी ना, जिनसे ली थी 3-4 साल तो उनके पास खड़ी हुई थी, हाँ। चालू नहीं थी, मेरे को लिए हुए 1 साल हुआ है, तो मैंने भी 3-4 महीने खड़ी रखी है इसको। अच्छा अच्छा, 3-4 महीने पेंट कराया 2-3 दिन पहले। बाकी इसका ओरिजिनल कलर कौन सा? रेड। कौन सा? रेड। रेड, हाँ जी। अच्छा यार, कलर से मुझे एक चीज क्या याद आ गई ना, कि इसमें सैंड मोटर्स ने एक बहुत अच्छी चीज कर रखी थी, कि इसमें जब आप, इसमें 4 कलर ऑप्शंस आपको मिलते थे, रेड हो गया और वाइट, ग्रे वगैरह ये सब। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये थी कि आप भाई कस्टमाइज कलर करा सकते थे, वो भी कंपनी से, आप कंपनी को, है ना। इसमें ये था कि इस पे कोई कलर वैसे नहीं आता है मेंशन, आप जो बोलोगे ना वो कलर करके दे देते थे कंपनी, फैसिलिटीज ऐसी ऐसी होती थी कंपनी की तरफ। तो यार ये अभी रनिंग है? हाँ जी रनिंग है। अच्छा ठीक है, तो कितने किलोमीटर आपने कुछ चलाई है? मैंने लेने के बाद 2-3 महीने तो चलाई थी, इसके खड़ी रखी थी। अच्छा, अब रिसेंटली इसको स्टार्ट वगैरह करा के पेंट कराई है, अभी तो बहुत काम बचा इसमें। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट वीडियो में आप दिखा दी देना इनको। ओके, तो भाई मेन बात पता क्या है, अब भाई से प्रोजेक्ट कार लगभग बनाने वाले हैं ना, तो इस गाड़ी को बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट कार। और ये वीडियो ना, मतलब सॉरी, ये वाली गाड़ी मेरे चैनल पे दूसरी बार पक्का आएगी, मैं वादा करता हूँ आपसे, ये गारंटीड है। जब ये हो जाएगी ना मॉडिफाइड, तो ये आपको मतलब सेकंड पार्ट आएगा इस गाड़ी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन गाड़ी लग रही है मुझे, ठीक है। और ये देख लो भाई, हेडलाइट्स वगैरह देख रहे हो, ये सब चेंज होंगे, ये सब चेंज होंगी, कुछ अलग ही सीन करा दोगे जब प्रोजेक्ट कार बनेगी, है ना। और बाकी ये देखो भाई, सैंड मोटर्स का लोगो और सैंडस्टॉर्म ये गाड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छी, मतलब उस टाइम पे डिमांड में थी, अब तो खैर डिसकंटिन्यू हो गई है। अब होती तो भाई कुछ और तरीके की बन के आती, क्योंकि ये तो भाई 1998-99 मॉडल है ना। बहुत से बंदे होंगे नंबर प्लेट की लगा रखी है, नंबर हाइड कर रखा है। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसी वीडियो शूट के लिए लगवाई है, नंबर है इसका ओरिजिनल। अच्छा, इसका ओरिजिनल नंबर है, बाकी ये वीडियो शूट के लिए, है ना। हाँ, बाकी रोड लीगल तो अभी नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि भाई अब टाइम हो चुका है, एक्सपायर हो चुकी है ना। अब मुझे पर्पस तो बताओ, आपने ली क्यों है? मैंने तो ऐसे शौक के लिए ले ली, शौक के लिए। और अब दिमाग में आया मॉडिफिकेशन कराते हैं। हाँ, तो ये देख लो भाई टायर्स वगैरह इसके, 13 इंच का टायर मिलता है इसमें। ये कौन सा है भाई, योकोहामा का? 14 है। हाँ जी। अच्छा देखो भाई, कंपनी से वैसे इसमें 13 आता है, मुझे लग रहा है अपग्रेड कराया होगा उन्होंने, एलॉयज चेंज कराए ना। हाँ, तो ये देख लो, ब्लैक में एलॉयज डलवा रखे हैं भाई ने। और सीन देखो यार गाड़ी का, मतलब बढ़िया लग रही है भाई, ये देखो टू सीटर। और एक चीज क्या थी भाई, एक बात बताओ यार अंशु भाई, इसमें कन्वर्टेबल सिस्टम था, कहाँ गया? जब से खड़ी हुई थी ना, उसको कुत्तों ने बैठ बैठ के खराब कर दी थी, और ये सारी रिस्टोर दोबारा होगी, ठीक हो जाएगी, तब सारी वीडियो में दिखाएंगे आपको। हाँ, और पता क्या मेन बात, ये गाड़ी आपको उस टाइम पे ऐसी मिलती थी, मतलब 2 सीटर 6 लाख में, बिल्कुल भाई स्पोर्टी लुक। ये देखो गाड़ी, देख रहे हो स्पोर्टी लुक, बिल्कुल 6 लाख में। और एक चीज़ और भी थी, थोड़ी सी कंडीशंस भी ऐसी थी, जैसे ये देख रहे हो ना, सॉफ्ट टॉप आता था इसमें, आता था क्या, आता है, ये हटा हुआ है, तो ये ना मैनुअली आपको करना पड़ता है, ये देख लो। अब बटन वाला, अब ऑटोमेटिक लगाओगे, हाँ, लेकिन ये आता है मैनुअली, यहाँ पे आप हुक जो अटैच कर दोगे तो ऐसे बंद होता था, थोड़ा सा ना देसी टाइप सा सीन भी था। बाकी ये पीछे सीट है, लेग रूम वगैरह इसमें है नहीं आपको, सीट भी क्रूज की लगी हुई है सारी। अच्छा,
थोड़ी सी अंदर से गंदी है बहुत टाइम से। भाई देखो अंदर से थोड़ी सी माफी चाहूंगा अभी, क्योंकि भाई ना सिस्टम भी था हाँ। पहले तो वो चोरी हो गया सारा। और ये क्रूज की सीटें हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक बटन वाली आती नहीं है। ओके, बकेट सीट है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक वाला है ना। बटन से ऊपर जाती है, बटन से नीचे आती है, सारी क्रूज की। तो ये आप ही ने कराई थी? अच्छा, बाहर से कराई थी सारी। ओके, तो अब मुझे एक बार ये बताओ, जो गाड़ी खुली गई है तो इसमें आप अंदर से कराने क्या क्या वाले हो? अभी स्टीयरिंग चेंज होने वाला है, सिस्टम आएगा दोबारा सारा, मतलब इंटीरियर तो पूरा चेंज हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, कुछ कलर भी सोचा है अंदर थीम का? हाँ। सारा ब्लैक टोन में रहेगा, ब्लैक ही रहेगा, है ना? अच्छा भी वही लगेगा। हाँ, क्योंकि बाहर से ऐसी है तो अंदर से बिल्कुल ब्लैक हो, है ना? और बाकी जैसे बता रहे ना भाई, और स्टीयरिंग भाई इसका वो नहीं आता ना? स्टीयरिंग वो लगेगा मोमो वाला। अच्छा, मोमो वाला लगेगा, लेकिन इसमें वो नहीं आता ना पावर? पावर तो पावर ही करा देना। अच्छा अच्छा, एसी आता ही है तो एसी भी दूसरा इसमें थोड़ा अपग्रेड कराएंगे, थोड़ा चिल्ड। तो इसका कोई बेचने वेचने का प्लान नहीं है? बेचनी भी है, सेल पे भी, अगर किसी को लेनी हो तो मैसेज करो, कांटेक्ट करो, बात करेंगे प्राइस की। अच्छा अच्छा, तो भाई अंशु भाई के पास ना वैसे भी इनका एक सेल परचेज का काम भी है, तो और भी गाड़ियां हैं। बाकी ये है मेन हाईलाइट उसकी, इनकी शॉप की, ठीक है? तो अगर किसी को चाहिए तो भाई कांटेक्ट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना कांटेक्ट नंबर भी डाल दूंगा। चलो मैं अंशु भाई का स्टेट पाइप एग्जॉस्ट भी है, और ये देख लो भाई स्टेट पाइप एग्जॉस्ट, ठीक है? मतलब भाई गाड़ी का लुक यार, टेल लैम्प देखो ये क्या है भाई, ये भी विंटेज है, विंटेज पूरा प्रॉपर विंटेज ही है भाई ये तो वैसे, है ना? और ये स्पॉइलर वगैरह भाई इसमें आता ही है? ये पहले से आता है, ऐसे ही आता है ना यार। बूट ओपन हो सकता है क्या इसका? बूट तो नहीं ओपन हो पाएगा, ये ऐसे लॉक से खराब हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट भाई देखो, वैसे भाई मुझसे बोल रहे थे कि हाँ, भाई ने मुझसे बोला था कि वासु भैया एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मतलब तभी करते हैं जब बन जाती है। मैंने कहा देखो यार ऐसा है, गाड़ी मिली है मुझे अतरंगी टाइप सी, तो इसे एक बार तो चैनल पे लेके आऊं ताकि बंदे भी देख ले क्या है। नेक्स्ट वीडियो में तो हम लेके आएंगे इसे बेहतरीन से, संडे से पहले। ओके, तो ज्यादा भाई वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट वीक में आपको ना मिल जाएगी वैसे वीडियो, है ना? तो ये देखो पहले ये वाली वीडियो एंजॉय करो, और लुक गाड़ी का बढ़िया है, बहुत ही मस्त लग रही है। उस टाइम पे ना अभी हम आपको ना चला वाला के दिखाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना इसका इंजन वगैरह हम दिखाएं तो थोड़ा सा रस्ट वगैरह लगा हुआ है ना, तो वो भी सीन है। बाकी हम इसे अभी ज्यादा चला नहीं रहे, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें हम आपको प्रॉपर वाइज गाड़ी को चला के दिखाएंगे, इसके शॉट्स देंगे आपको बढ़िया बढ़िया रनिंग में, और थोड़ा सा ना पब्लिक रिएक्शन भी दिखाएंगे। पब्लिक रिएक्शन छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं ये देख रहे हैं अभी तो फिलहाल, पर ये है कि हाँ जो भी कोई इस गाड़ी को देखेगा तो भाई ऐसा तो है नहीं कि ना देखे, मतलब रोड पे चल रही है तो भाई गाड़ी को तो मुड़ मुड़ के देखना ही देखना है, और भाई बंदे को भी देखना है चला कौन रहा है बंदा, ठीक है? और टार्जन वाली इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ने ना थोड़ा सा कलर भी ऐसा करा दिया अंशु भाई, है ना? अच्छा एक बात हो रहा है यार, ये गाड़ी ना इसकी अगर मैं असेंबली बताऊं तो ये बैंगलोर में असेंबल होती थी और गोवा में इसकी बॉडी चेसी बनती थी। ये ज्यादा गाड़ी नहीं है, थोड़ी सी ना लिमिटेड गाड़ी ही थी इंडिया में। तो थोड़ा सा ना ये अंशु भाई से पूछते हैं कि ये कितनी गाड़ियां आई थी, तो अंशु भाई एक बात बताओ ये गाड़ियां कितनी थी इंडिया में? ये सैंडस्टॉर्म मोटर्स की यूट्यूब पे वीडियो, उन्होंने भी खुद अपना मतलब बोला था कि 10-12 ही गाड़ियां आई थी। अच्छा, हां जी, सिर्फ 10-12 गाड़ियां थी, लिमिटेड गाड़ियां ही बनाई थी सैंडस्टॉर्म कंपनी ने। हाँ, उसके बाद तो डिसकंटिन्यू हो गई थी सारी। हाँ, तो डिसकंटिन्यू आपको देखने को भी बहुत ही कम मिलेगी, लिमिटेड ही है गाड़ियां। अब ये जैसे कि मान लो दिल्ली में तो एक ही है ये, और भी किसी पे हो तो वो मेरे को बताओ, मैं उससे परचेज भी करूंगा। अच्छा, हाँ, तो ये देख लो भाई अंशु भाई कह रहे हैं दिल्ली में सिर्फ एक अकेली गाड़ी है, बाकी किसी और पे हो तो मुझे बताओ, मैं भी जाऊंगा, फिर हम देखेंगे भाई और किसके पास है गाड़ी। बाकी अंशु भाई कह रहे हैं कि अगर किसी के पास हो तो बता दो, परचेज भी कर लेंगे, है ना? और कोई विंटेज कार हो तो वो भी दे दो। अच्छा, तो दे दो भाई, दे दो, ये देख लो वीडियो देखो, और जिसके पास कोई गाड़ियां हैं विंटेज वगैरह तो अंशु भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं भाई का डाल दूंगा, तो जाके आप कर लेना डीएम वगैरह जो भी है। और यार देखो गाड़ी तो ऐसी है कि मैं देखता रहूं बस इसको, ऐसा सीन लग रहा है। बाकी थोड़ा सा ना मैं अंदर बैठ के दिखा देता हूं, तो देख लो भाई थोड़ा सा मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूं। वैसे इंटीरियर थोड़ा सा अभी ना दिखाने लायक हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ये देख लो भाई ऐसा सीन मिलता है। मैनुअली आपको ये मिलता था, और ये जो स्टीयरिंग है ना ये भी आपको भाई पावर नहीं मिलता था, सीट्स इसमें बाहर से लगी हुई है। भाई आर्मरेस्ट भी बाहर से लगा हुआ है क्या? वो भी क्रूज का है, वो भी क्रूज का है। तो यार ये आर्मरेस्ट भी ना क्रूज का डलवा रखा है भाई ने। और ये देखो यहाँ पे आपको ऐसे एसी के सिस्टम मिलते थे जैसे पहले मिलते थे ना ओल्टो वगैरह में, ऐसा सीन मिलता था। छोटा सा गियर नॉब आपको देखने को मिलता है नीचे, जो कि 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। उधर आपको भाई ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जो कि लॉकिंग सिस्टम है, और ये देख लो IRVM जो कि मैनुअली करना पड़ता है। बाकी थोड़ी सी हालत ऐसी हो रखी है उसे इग्नोर करना, मेरी बातों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? और पीछे देख लो कोई डोर वगैरह नहीं है, 2 door है, और भाई ये 2-seater ही है। तो ये है भाई अपनी रोडस्टर, सैंडस्टॉर्म रोडस्टर, ठीक है? तो गाड़ी मुझे यार थोड़ा सा ना कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी है, और आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि भाई नेक्स्ट पार्ट अगर आएगा तो भाई नेक्स्ट लेवल आएगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसमें हो जाएगी मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी खासी, ठीक है? और अगर यार इसके इंजन के पावर वगैरह की बात करो ना, मुझे लगता है 60 BHP की पावर और 90 Nm का टॉर्क देती है। और पता है एक बार खासियत क्या है इसकी, 0 to 100 की स्पीड ये 13 सेकंड में कवर करती है, देख लो। क्योंकि भाई थोड़ा सा ना वेट रेशियो भी मैटर करता है ना, जो इस गाड़ी का छोटी सी गाड़ी है, पावर का मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 to 100 की स्पीड है ना वो है भाई इसकी 13 सेकंड में। जो इसका माइलेज है ना कंपनी ने क्लेम किया था वो तो भाई 13 km/L, ठीक कह रहा हूं भाई? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, 16 की दे रही। आगे को आओ जरा, कंपनी क्लेम करती है 13 km/L, आप 16 कैसे ले रहे हो? अच्छी दे रही है, वेरी बहुत मारुति 800 का इंजन है इसमें, जो पहले का इंजन था ना इसका वो बिल्कुल मतलब खराब हो चुका था। एक सेकंड, बोनट खोलो भाई, अब तो बोनट खोलना बनता है भाई।
तो ये मारुति 800 का इंजन है जी, ये देखो सुजुकी लिखा ऊपर ये कारिस्तानी देख रहे हो भाई, सुजुकी लिखा हुआ है। पता इसमें वैसे इंजन आता था रेनो का, लेकिन इसमें अब डाल दिया मारुति 800 का। और मैं कह रहा था अभी तेरे का भाई ने मुझे करेक्ट किया, जैपनीज वाला है ना ये, देख लो भाई। और ये मैं कह रहा था ना रस्ट वगैरह थोड़ा सा इंजन पे हो रहा था, ऐसा सीन हो रहा है थोड़ा सा। वो तो मैंने जिनसे कार परचेज करी थी उन्होंने लगवा रखा था ये। हाँ उनसे उन्होंने लगवा रखा था ना। बाकी इंजन जो आता है ना भाई इसमें रेनो का आता है, ठीक है। और बाकी तो देखो पावर वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ये देख लो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें 135 mm ग्राउंड क्लियरेंस। और बूट स्पेस भी इसका 200-250 के आसपास आपको मिल जाता है। मतलब ये था कि देखो अगर किसी को शौक करना है टू सीटर का और आप ज़्यादा बजट नहीं है आपका उस टाइम पे, आप तो खैर ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अगर उस टाइम पे आपका ज़्यादा बजट नहीं तो पब्लिक का ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था उन टाइम पे, ठीक है। तो मतलब सैन मोटर्स ने ऐसा एक पीस निकाला था। बाकी वही है कि लिमिटेड गाड़ी थी इंडिया में, ये 10-12 गाड़ियाँ आई थी, दिल्ली में एक अकेली गाड़ी यही खड़ी है जिसका आज हम शूट कर रहे हैं। तो भाई यूनिक कंटेंट तो आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को जल्दी से ना सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आए। और कमेंट में बिल्कुल मत भूलो बताओ मुझे कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए या आपको नहीं चाहिए। और इसमें आप भी सजेस्ट कर सकते हो, मैं अंशु भाई को सजेस्ट करूंगा। फिर कोई मॉडिफिकेशन आपके दिमाग में घूम रही हो कि भाई इसमें ऐसा करा लो या वैसा करा लो तो आप भी बता सकते हो। बाकी कलर तो ये देखो हो चुका है, कलर चेंज नहीं हो गया, अब आप कितने ही कह लो क्योंकि कलर भाई इसका अभी कराया है ना, पहले रेड कलर था। तो आ जाओ अंशु भाई। किसकी चॉइस है? तो अंशु भाई ने मुझे फोन किया था यार, ये कह रहे थे कि कलर वगैरह बताओ। मैंने कहा भाई इससे बेहतर नहीं होगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, मैंने बोल तो दिया है पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये देख लो ना अच्छा तो लग ही रहा है कलर। मैंने इनको मैसेज किया भाई क्या करा दिया यार तुमने, जब इन्होंने मुझे फोटो भेजी गजब एकदम। और कल ही बात हो रही थी हमारी और आज मैं आ गया हूँ, तो ये देख लो ये गाड़ी मुझे कहाँ तक खींच के लाई है, रोहिणी है आज हम, ठीक है। तो यार अंशु भाई पॉजिटिव नेगेटिव्स वगैरह अगर बात करें, वैसे आपने किलोमीटर कितने चलाई होगी? 500 भी नहीं चलाई। तो एक काम करते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स और ये सब चीज़ें ना बाद में बात करेंगे, पर एक बात बताओ इसके लुक को आप कितने नंबर देना चाहोगे? बेसिकली BMW Z4 आती है ना, हाँ बिल्कुल मैच करती है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो कल मैंने जैसे स्टोरी लगाई थी, बंदे मेरे को कमेंट भी कर रहे थे भैया BMW ले आए। तो भाई ये विंटेज कार है, ये विंटेज कार है। तो कितना मतलब कितने पॉइंट देना चाहोगे आउट ऑफ 10? 9 तो देने बनते हैं, 9 बनते हैं ना। बाकी एक बात और है, जब इंटीरियर हो जाएगा ना तो 9 से तो बहुत ऊपर जाने वाले हैं इसके नंबर, है ना, ठीक है। तो भाई गाड़ी अगर सबको पसंद आ रही हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करके वीडियो देखोगे ना ज्यादा मजा आता है, किसी को कोई मेहनत कर रहा है ना सब्सक्राइब करो उसके बाद वीडियो का मजा लो, लाइक करो कमेंट करो, हमें मजा आएगा आपको मजा आएगा। तो चलो भाई वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।